मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो का। दोस्तों, आज मैं आपको रस मलाई बनाने का बहुत ही स्पेशल तरीका बता रही हूँ। वैसे तो रस मलाई बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, परंतु आज मैं आपके साथ रस मलाई की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 10 मिनट के अंदर आप बढ़िया अच्छी रस मलाई तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें रस मलाई के लिए दूध तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है और बढ़िया अच्छा इसे धीमी आँच पर 5 मिनट तक उबाल लें ताकि बढ़िया अच्छा इसमें गाढ़ापन आ जाए। आप देख रहे हैं दूध बढ़िया अच्छा उबल रहा है। अब इसमें कम से कम मैंने 5 से 6 केशर के धागे डाल दिए हैं दोस्तों, ताकि रस मलाई का ये जो हम दूध बना रहे हैं इसका रंग भी बढ़िया अच्छा केसरिया आ जाए। कुछ मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है पिस्ता, बादाम, काजू और थोड़ी सी चारोली। जो भी ड्राई फ्रूट्स इस समय आपके पास है आप डाल सकते हैं। बिल्कुल एक चुटकी से भी कम मैंने इसमें हल्दी डाली है दोस्तों। मान लीजिए आपके पास केसर नहीं है तो आप इसके दूध को हल्का सा पीलापन कैसे देंगे, तो आपको यहाँ पर डालना है 1 चुटकी हल्दी। आप देख रहे हैं दूध की रंगत बदल गई है, केसर से तो रंग आएगा ही, परंतु क्या अभी दोस्तों गर्मी का मौसम है, हम बहुत ज़्यादा केसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि केसर जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है। इसलिए चुटकी भर हल्दी डाला है मैंने और साथ ही साथ इसमें 5 चम्मच मैंने शक्कर डाली है। और बस शक्कर डालने के बाद भी इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे ताकि ये जो रस मलाई का दूध बन रहा अच्छा बढ़िया गाढ़ा हो जाए। उसके बाद गैस बंद कर दें, ठंडा करें और फ्रीज में रखें। इधर आप देख सकते हैं मैंने रस मलाई के लिए यहाँ पर ली है बिल्कुल ताज़ी मलाई। दूध में से आपको भी निकाल कर ही दिखा रही हूँ। फ्रेश मलाई लेने से रस मलाई का स्वाद और भी बढ़िया अच्छा आता है। तो ये देखिए बड़े चम्मच लिया है मैंने दोस्तों और उसको भर कर मैंने यहाँ पर मलाई ले ली है। और इस मलाई में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब हमने इसमें शक्कर डाली है। तो ये हम रस मलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाला है मैंने इसमें, जैसे कि बादाम, पिस्ता, और इसके अलावा आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब रस मलाई को बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ली है ब्रेड की स्लाइस। तो सबसे पहले आपको ब्रेड जो है उसके चारों किनारे को आपको कैंची की सहायता से अलग करना है। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इसका जो बाहर का हिस्सा है वो आप अलग कर दें। और जो बाहर का हिस्सा हम काट रहे हैं दोस्तों, इसे फेंकना नहीं है, आप ब्रेड क्रम्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू की टिकिया में आप इसके साइड के हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 ब्रेड की स्लाइस ली है जिसके किनार मैंने काट लिए हैं। और इस रस मलाई की स्टफिंग के लिए मलाई में मैंने शक्कर और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो चलिए अब रस मलाई हम बनाते हैं। इंस्टेंट रस मलाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दोस्तों 1/2 कप के करीब दूध लिया है और उस दूध में 1/2 छोटी चम्मच शक्कर डालकर दूध को मीठा कर लिया है। और अब आपको ब्रेड की एक एक स्लाइस लेना है और ये जो हमने दूध लिया है जिसमें मीठा किया है हल्का सा, उसमें हल्का सा आप ब्रेड को दोनों साइड से डिप करें। ज़्यादा दूध आपको ब्रेड में नहीं लेना है दोस्तों। और फिर आपको ये जो हमने स्टफिंग तैयार की है मलाई, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी शक्कर डालकर, उस स्टफिंग को सेंटर में डालना है। और बस ब्रेड तो हर किसी भी शेप में मुड़ जाती है दोस्तों, बढ़िया अच्छा जैसे रस मलाई का शेप होता है ना दोस्तों गोल गोल, वैसे ही आपको गोल गोल इसका शेप देना है। बहुत आसानी से इसका शेप आ जाता है। ब्रेड तो वैसे भी बहुत नरम होती है और दूध में जाकर तो और भी सॉफ्ट हो जाती है। बस इसी तरह से हम 4 ब्रेड की स्लाइस की रस मलाई तैयार कर लेंगे। तो हल्का सा दूध में डुबाना है दोस्तों, ज़्यादा ना डुबाएं, हाथों से हल्का सा निचोड़ दें ताकि ज़्यादा दूध ना रहे। खूब ज़्यादा दूध और ब्रेड को गीला करेंगे दोस्तों तो आपको बनाने में परेशानी होगी, इसलिए हल्का सा ही दूध लगाएं ब्रेड में और बस स्टफिंग भरें और हाथों से दबा दें, जो एक्स्ट्रा दूध है उसे निचोड़कर अलग कर दें। तो ये देखिए दोस्तों मैंने रस मलाई के बॉल्स तैयार कर लिए हैं। और इस बीच हमारे जो रस मलाई का दूध हमने जो स्टार्टिंग में ही बना लिया था उसे मैंने बढ़िया अच्छा ठंडा करने फ्रीज में रख दिया था। तो दूध ठंडा भी हो गया है दोस्तों और साथ ही साथ बढ़िया अच्छा गाढ़ा भी हो गया है फ्रीज में रखने से। और बस अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग करने के लिए जो हमने रस मलाई का जो दूध बनाया है आपको दिख रहा होगा हल्का सा येलोइश सा है ये,
और बढ़िया अच्छे इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। सभी रस मलाई में खूब अच्छी तरह से डालना है ताकि रस मलाई इस रबड़ी वाले दूध से अच्छी तरह से भीग जाए, सोख हो जाए। तो ये देखिए, जब भी इसकी प्लेटिंग करें तो थोड़ी सी गहरी वाली प्लेट लें ताकि हम इसके साथ ये जो गाढ़ा गाढ़ा दूध है वो भी अच्छा भरपूर मात्रा में डाल सकें। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगती है, आप एक बार ज़रूर बनाएं। थोड़ा सा इसे हम गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिस्ते को बारीक काट कर रखा है, पिस्ता डाल रही हूँ दोस्तों, और थोड़े से बादाम को लंबे काट के रखें, वो भी मैंने इस रसमलाई में डाल दिया। एक एक केसर की डंडियाँ भी इसमें डाली हैं मैंने। तो आप देख सकते हैं जितनी सुंदर ये रसमलाई दिख रही, खाने में उतनी टेस्टी। आपको मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हमारी रसमलाई बनकर तैयार हुई है, ये देखिए। तो आप इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।